अधीक्षण अभियंता के खिलाफ धरने पर बैठे विद्युत कर्मी, पावर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के अभद्र आचरण का आरोप लगाकर धरने पर विद्युत कर्मी बैठ गए हैं। विद्युत कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता प्रदीप खत्री के कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। पावर कॉरपोरेशन के कर्मियों की संघर्ष समिति ने अधीक्षण अभियंता के कार्यालय के बाहर तंबू लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विद्युत कर्मियों ने अधीक्षण अभियंता पर आरोप लगाते हुए कहा कि विद्युत कर्मी भीषण गर्मी में दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बाद में अधिकारी गाली गलौज कर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। धरने की सूचना पर सीओ समेत बड़ी तादाद में पुलिस बल ने पहुंचकर कर्मचारियों को हटाया। यह है कि विगत 15 दिनों में विद्युत आपूर्ति की मांग लगातार बढ़ रही है, संसाधनों का भारी अभाव है, केबल खंभे और भी चीज स्टाफ न्यूनतम है हमारे पास। ऐसी परिस्थिति में हम लोग, हमारे जितने अवर अभियंता हैं, जितने लाइनमैन हैं, रात के 12-12 एक-एक बजे तक सब लोग बिजली करके तैनात होकर के काम कर रहे हैं। आप पा रहे होंगे कि सभी जगह पे लगभग छोटे मोटे फॉल्ट की बात नहीं करते हैं, लेकिन बाकी आप देख रहे होंगे कि शहर की विद्युत आपूर्ति अच्छी बनी हुई है, कोई उस तरह की बड़ी दिक्कतें नहीं आ रही, जबकि हमारे पास संसाधनों का भारी अभाव है। ऐसी परिस्थिति में एक अपेक्षा होती है कि आप हमारी स्थिति को समझेंगे और हमसे सौहार्दपूर्ण वार्ता करेंगे या कोई भी। अब क्या हो रहा है कि जितने भी अधीक्षण अभियंता हैं, जो भी अधीक्षण अभियंता अधिशासी अभियंता हैं, वो बिजली घरों पर जाते हैं और वहाँ पर छोटी छोटी कमियाँ निकाल करके और बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। लोगों को मतलब ये कहना कि मैं तुम्हारी नौकरी ख़राब कर दूंगा, मैं तुम्हारी ये कर दूंगा, मैं तुम्हारी सेंसर एंट्री कर दूंगा, तुम लोग सब चोर हो, मक्कार हो, ये सारी शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि कहीं से भी औचित्यपूर्ण नहीं है और इससे सभी लोग बिल्कुल पूर्ण रूप से आहत हैं और इनके अंडर में काम करने को इच्छुक हैं। तो अब आपकी क्या मांगे हैं? पहली मांग तो यही है कि इनको यहाँ से तत्काल हटाया जाए। अधीक्षण अभियंता प्रदीप खत्री ने अपनी सफाई में कहा कि बिजली कर्मी भीषण गर्मी में सही से काम नहीं कर रहे हैं और काम करने वाले कर्मियों को भड़का रहे हैं। अधीक्षण अभियंता ने कहा कि कुछ कर्मचारी भीषण गर्मी में जनता के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने में सहयोग नहीं कर रहे हैं और बकाए बिल की वसूली में लापरवाही बरत रहे हैं और जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी भड़का रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय आपूर्ति के सापेक्ष वसूली में विद्युत विभाग 78% घाटे में है, कुछ कर्मचारी बकाया वसूली नहीं कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी गई, इसी के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर दबाव बनाना चाहते हैं। नहीं, ये कहने वाली बात होती है अभद्र भाषा, कोई अभद्र भाषा नहीं, मैंने जो भी भेजे हैं अभी मैं आपको कॉपी अवेलेबल कराता हूँ, उसी के ऊपर इन लोगों का मेन ऑब्जेक्शन था कि आपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं क्यों लिखा। जी SDO, लेकिन लेखा विभाग भी आपका हड़ताल पे बैठा हुआ है। वो चूंकि संघर्ष समिति के लोग हैं इसलिए संघर्ष, हमारे एक बाबूजी हैं यहाँ पर जिनका नाम मोहित दुबे है, पिछले 7 महीने मेरे को हो गए, 7 महीने से वो ऑफिस नहीं आ रहे, फरवरी तक की उन्होंने मेडिकल लगा रखी है। ऑब्वियस है जो आदमी 7 महीने से काम करना कर रहा हो, पहले भी कितना काम करता रहा होगा, केवल 3 बाबू हैं हमारे ऑफिस के अंदर और वर्किंग बाबू में केवल एक, तो माना जाए कि इटावा में डिसिप्लिन नहीं है। नहीं, डिसिप्लिन बिल्कुल है, बट कोई कोई आदमी अगर इनडिसिप्लिन है तो वही ही धरने पे आके बैठने की कोशिश करते हैं, वही लोगों को बल गया। थैंक यू। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए इटावा से नील कमल की रिपोर्ट।